सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, पबजी लाइट में जब से 0.24.0 का अपडेट आया है तब से बवाल मच गया है। सो गाइस, अगर आप 0.23.0 वाले वर्जन में हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जिन लोगों ने अभी तक अपना गेम अपडेट नहीं किया है वो लोग अब अपने गेम को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको गेम अपडेट करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब आपको इन गेम में ही अपडेट करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो यहाँ आप लोग अपडेट पर टैप करके अपने गेम को अपडेट कर लेना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बता दो ताकि आगे चल के अपडेट करने में कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसको आपके फ्रेंड्स लोग करते हैं तो हो सकता है उनकी आईडी बैन हो जाए। तो प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि PUBG लाइट में अभी तक अनबैन होने का कोई भी चांस नहीं है। नंबर वन, अगर आप लोग किसी प्रकार का जादू ट्रिक लगाते हो, जैसे कि जीरो रिकॉइल फाइल, एम लॉक, इस तरह की चीजें लगाते हो सकता है आपकी आईडी एक साल के लिए बैन हो जाए। नंबर दो, अगर आप लोग वो जो ब्लैक कलर का कैरेक्टर होता है, तो अगर आप इस तरह की कोई भी छेड़खानी करते हो सकता है तो आपको सीधा 10 साल के लिए बैन दिया जा रहा है। तो गाइस, यार अपने दोस्त लोग को बता दो। नंबर तीन, सो गाइस, PUBG लाइट में अगर आप किसी भी ग्लिच का यूज करके किसी भी बंदे को मारते हो सकता है आपकी आईडी बैन होने का चांस बढ़ जाए। तो भाई लोग, जिसको ये बात नहीं पता है उसे बता दो ताकि वो ग्लिच का इस्तेमाल ना करे। नंबर चार पे आता है GFX टूल। जिन भाई लोग का डिवाइस 2GB 3GB रैम होता है, जिसमें गेम भी सही से नहीं चलता और ग्राफिक भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो क्या करते हैं हम लोग उस टाइम पे GFX टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गेम में हाई ग्राफिक देखने को मिल जाता है। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? GFX टूल से ऐसा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ कि इससे भी आईडी बैन होती है। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी पता है तो हमें जरूर बताएं। तो नंबर पाँच पे आता है iPad व्यू। जी हाँ, अगर आप लोग अपने फोन में थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके iPad व्यू लगाते हो तो आपकी आईडी हो सकती है बैन, क्योंकि हमारे गॉड प्राइम आर्मी वाई टीम सर ने iPad व्यू लगाने का वीडियो डाला था, जिससे उनके चैनल पे टेंसेंट वालों की तरफ से एक स्ट्राइक पड़ गई थी। तो देखो गाइस, अगर आप लोग iPad में PUBG लाइट खेलते हो तो वो बात अलग है, और किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके iPad व्यू लगाते हो तो वो अलग है। सो गाइस, पहले क्या होता था, हम लोग किसी को भी रिपोर्ट करते थे तो एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन अब कोई भी बंदा आपको जादू लगा के मार देता है तो अब आप उसको रिपोर्ट करते हो सकता है उसकी आईडी बैन हो जाए। तो गाइस, ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट फील होता है। सो गाइस, अगर कोई और भी ऐसी मिस्टेक है जिसको करने से आईडी बैन हो सकती है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।